बात और कौन सी बात चीनियों ने क्या दी? तीन नमाजें कोई नहीं पढ़ता, कोई मुसलमान नहीं कहता कि तीन नमाजें, सब जानते हैं कि पांच नमाजें, उनके पांचों के नाम हैं, पांचों की रखते हैं सारे मुसलमानों की एक हैं कि दो फजर की हैं, चार जोर की हैं, चार असर की हैं, तीन मगरब की हैं, चार इशा की, शिया की भी इतनी हैं, सुन्नियों की भी इतनी। अब मसला क्या जमा बैन सलातैन कि दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी जा सकती हैं, ये जब हम पढ़ी हदीसों को देखते हैं ठीक है, जब जैद आ जाती लोग जैद में दूर थे, शियों की किताबें मैंने पढ़ी, उनके उलमा भी मैं जानता हूँ, वो सारे मानते हैं मगर रोक नहीं सकते, जानते वो भी हैं कि अलग अलग पांच वक्तों में पढ़ना, हमारी तरह वक्त लिखे हुए हैं कि जोर यहाँ तक है असर, बिल्कुल हमारे वाले तरीके हैं, सिर्फ फ़र्क यह है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अब हमारी जैद है कि हमने इकट्ठी करनी छोड़ दी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम से सही हदीस है, चाहे इमाम तिरमिज़ी कहते हैं इस पर किसी ने अमल नहीं किया, ये तो आपकी अपनी मर्जी, हदीस में कोई ख़राबी है कि आपने मदीने में होते हुए ना सफ़र था ना बारिश थी ना ख़तरा था ना बीमार थे, जोर असर की दो नमाजें इकट्ठी पढ़ाई, चार फर्ज उसके चार आठ, मगरब इशा की, बिल्कुल सही हदीस, कोई शक नहीं। अब बिला वजह इकट्ठी की, इब्ने अब्बास से लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा से पूछा कि हुजूर ने ऐसा क्यों किया, जब कोई मजबूरी नहीं फरमाया, इसीलिए कि उम्मत से तंगी दूर हो जाए, उम्मत को पता चल जाए कि इकट्ठी भी पढ़ने कोई बात नहीं, तो सुन्नत था ये शिया तो करते, मगर इनकी जाती की इन्होंने आदत बना ली, यहाँ से खुद ये शिया मसर के भी खिलाफ है, इनकी किताबें भी ये नहीं कहती कि रोज़ इस तरह पढ़ो, पांच अजानें होनी चाहिए, पांच वक्त है, मगर सिर्फ इकट्ठी की जा सकती हैं, मसला इतना था कि जायज है अगर कोई कर ले, हमने जिद कर ली कि करनी नहीं इकट्ठी, इकट्ठी की तो काफर हो जाएंगे, हम भी झूठे, जब जी चाहे इकट्ठी दो नमाजें पढ़ सकता है, जोर असर मगरब इशा जायज, उनकी वो जिद गलत है कि रोजाना पढ़ना, ये उनके मसरक में नहीं, उनकी भी शरारत है, किताबें उनकी निकाल कर दिखाऊंगा, उनके उलमा के फतवे दिखाऊंगा, हमारी तरह पांच अजानें दें, पांच वक्तों, असल यही है, मगर कभी अगर इकट्ठी को कर ले तो बेटा इतनी बात थी कि वो जायज, हमने जिद कर ली कि नहीं पढ़नी, उन्होंने कर ली कि हमने जान बूझ कर इसी तरह पढ़ना, ये केड़ बन गई, मसला इतना ही है कि बिला वजह भी जोर असर को मगरब इशा को इकट्ठी किया जा सकता है, इसमें नहीं वो कोई बुरी बात कहते, जो आदत उन्होंने बना ली ये गलत है, पढ़ते पांच ही हम और दो दो करके इकट्ठी पढ़ लेते हैं, हाँ और क्या बात।